जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित हुई है। कोरोना को हराने के लिए 31 मई तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं खाद बीज की दुकानों का समय 1 से 4 था, अब 12 से 4 कर दिया गया है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। चरणबद्ध तरीके से अब मिशन भी चलाए जा रहे हैं। कोरोना का प्रतिशत कम भी हो रहा है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता पूरी मुस्तैदी के साथ करवाई जाएगी। देखो, जिस प्रकार से कोरोना पहले आया था और आज कोरोना कम हुआ है, और जहाँ आज हमारी बैठक भी हुई थी, बैठक में हम लोगों का ये और भी 31 तारीख तक तो हमारा लॉकडाउन रहेगा। दूसरी बात, हम लोगों को आगे के लिए भी हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में कोरोना नहीं आए, इसलिए हम लोग सोमवार से भी गांव-गांव जाने की भी योजना हम लोगों ने बनाई है। आज ज़िले में माननीय प्रभारी मंत्री जी प्रेम सिंह पटेल जी, सांसद जी और ज़िले के अन्य जनप्रतिनिधियों अधिकारियों की जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी थी, उसकी जिला स्तरीय कमेटी की बैठक थी। इसके साथ साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी विकास खंडों के खंड स्तरीय कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों के साथ भी मीटिंग ली। अभी पिछले 1 सप्ताह से लगातार बड़वानी जिले में कोरोना पॉजिटिव संख्या कम होती जा रही है। ये स्थिति आगे बनी रहे, इसके लिए पूरे ज़िले में जन जागरण अभियान चलाने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, मास्क लगा के रखें। इन सब चीज़ के लिए डिटेल विचार विमर्श हुआ। ज़िले में किसानों के लिए खाद बीज की दुकानें, PDS की दुकानें, बैंक आदि में जो भीड़ भाड़ ना रहे, उस पर भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए, चूँकि हमारा ज़िला महाराष्ट्र से लगा हुआ ज़िला है, महाराष्ट्र में अभी केस 5 से 6% से ऊपर आ रहे हैं। इधर हमारा धार और खरगोन में भी केस ज़्यादा रहे हैं, इस पर भी विचार विमर्श हुआ कि हमारे ज़िले में एकदम 1% से पॉजिटिव रेट हुई है, लगभग 0.5% तक आ गई है। ये आगे जारी रहे, उसके लिए सभी जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के लोग, हमारे जिला स्तरीय पूरे अधिकारी, नीचे वाला अमला पूरा बिल्कुल जागरूक रहे, आगे केस न बढ़े, इसके लिए विचार विमर्श किया हुआ है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि जब तक कोरोना पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता है, तब तक 31 मई तक अभी कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। तो जिला स्तरीय कमेटी में और सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे ज़िले में भी 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। केवल किसानों को जो खाद बीज की दुकानें खुलती थी, उसका टाइम 1 बजे से 4 बजे तक था, उसको अपने 12 से 4 तक का टाइम किया हुआ है। शेष जो पहले की तरह से व्यवस्था लागू रहेगी।